हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं आज फिर से द हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज संडे का दिन है, ठीक है, 30th में आपकी डेट है आज की। तो आप लोगों को पता है कि मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए स्टडी आईएएस पे रोज सुबह 8 बजे लेकर आ जाती हूँ द हिंदू का न्यूज आर्टिकल एंड एडिटोरियल एनालिसिस। तो आज संडे है आपका, तो आप लोगों को पता है कि आज एडिटोरियल्स जो हैं वो नहीं आते हैं, बिल्कुल भी एडिटोरियल्स नहीं आते हैं आज। उनको रिप्लेस कर दिया जाता है आपके साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से, और इसको आपका रिप्लेस कर दिया जाता है FAQ से। तो ये दो जो पॉइंट्स हैं ये आपके दो नए ऐड हो जाते हैं, जिसके भी हम लोग कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होती हैं उनको हम कवर करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ममता, सिमरन, वर्षा, विशाल, गुड मॉर्निंग। चलो अब देखो, यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में। तो देखो, अनअकैडमी लेकर आया है अभी आप लोगों के लिए सिविल सर्विस चैंपियनशिप। अब बेसिकली क्या है कि ये इंडिया की लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाली है, जो कि क्यूरेटेड करी गई है बाय योर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 13 जून को होगी एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो, कम्प्लीटली फ्री है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी, और जो भी आपके टॉप 50 रैंकर्स होंगे, यानी कि 1 से 50 तक जिनकी रैंकिंग आएगी यहाँ पर, उनको यहाँ पर गाइडेंस मिलेगी यूपीएससी मेंटोर्स द्वारा। जो आपकी यूपीएससी मेंटोर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर उस पर गाइडेंस भी मिलने वाली है। तो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो और बिल्कुल फ्री एनरोल कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो गाइडेंस अगर आप देखा जाए पहले, तो आप लोग यहाँ पर स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो 3 करोड़ की, और ये सारे प्राइजेस हैं जो भी टॉप 50 रैंकर्स हैं उनको मिलेगी। और यहाँ पर जो मेंटोर्स रहेंगे वो हैं आपके अभिषेक सराफ, शताब्दी मजूमदार, दुर्गा शक्ति नागपाल, बी एन रमेश, कृष्ण मोहन, और उसके बाद विपिन सिंह शर्मा एंड योर राकेश वर्मा सर। तो इतने सारे यहाँ पे मेंटोर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे गाइड करेंगे अगर आप यहाँ पर टॉप 50 रैंकर्स में आ गए। ओके, तो यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है एनरोल करना। और जब भी एनरोल करोगे, आपको पता है आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज स्टडी IAS। ओके, मूविंग फॉरवर्ड देन, उसके बाद आ जाता है आपका यूपीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर। बेसिकली मैं आपको रोज बताती हूँ कि इसमें ना 4 महीने आपके एक्सटेंड कर दिए गए हैं, 4 मंथ्स जो है वो एक्सटेंड कर दिए गए हैं। अगर आप लोग पहले सब्सक्रिप्शन लेते थे तो वो आपका सिर्फ 1 साल या 2 साल तक वैलिड रहता था, बट अब क्या है कि इसमें हो गए हैं आपके 4 महीने एक्सटेंड। देन उसके बाद अगर आप लोगों को अपनी यूपीएससी की तैयारी करनी है अनअकैडमी पे, तो आप लोग यहाँ पर ले सकते हो लोन ईजिली, और अपनी जो तैयारी है उसको कर सकते हैं आप लोग अनअकैडमी पे। तो यहाँ पे लोन की सुविधा आप लोगों के लिए आ चुकी है। उसके बाद देखो यहाँ पर है अनअकैडमी का कॉम्बैट। देखो आज संडे है आपका, तो ये जो लाइव क्विज है ना ये होती है रेगुलरली संडे को, और कितने बजे, 11 बजे होती है। तो अगर आप लोग चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री है। बस एनरोल करते टाइम पे आपको कोड का इस्तेमाल करना है, वो है आपका स्टडी IAS, ठीक है। ये कोड का इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर फायदा ही मिलेगा, तो स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो यहाँ पर, काफी सारी चीजें जो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो भी एस्पिरेंट 2021-22-23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनके लिए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग इन बैचेस में भी एनरोल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे ना, तो सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आपको मैंने बताया कि कोड का इस्तेमाल करना होता है, कोड है आपका चैनल का नाम ही, जो कि है आपका स्टडी IAS। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको स्ट्रेट अवे मिल जाता है 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ओके, तो जब भी सब्सक्रिप्शन लेना है आपको इस कोड का इस्तेमाल जरूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग विशाल, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, दुर्गा, अभिषेक, सचिन, ब्रजेश, अवनीश, मोहित, राम कुमार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो पहली जो आर्टिकल है आपका यहाँ पे देखिए, अभी आप लोगों को पता है कि हमारा जो साइक्लोन यश आया है वो आया था हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे आया है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट पे आया है हमारा साइक्लोन यश, ठीक है। और ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सा आया था, बेसिकली वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा आया था आपका, वेस्टर्न कोस्ट पे आया था आपका ताउती,
ठीक है, ताउती जो नाम था वो म्यांमार द्वारा दिया गया था, और जो यस नाम है वो दिया गया है ओमान द्वारा। तो यहाँ पर क्या था कि हम लोगों ने कल भी देखा था कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर मीटिंग भी रखी थी, और जिसमें यहाँ पर उन्होंने जो रिलीफ फंड दिया था वो भी दिया था यहाँ पे करीब आपके 1000 करोड़ का यहाँ पर जो रिलीफ फंड दिया गया था। कौन सी यहाँ पे उनको दिया गया था, स्टेट्स को, तीन स्टेट्स को दिया गया था, वेस्ट बंगाल, झारखंड और किसको दिया है, उड़ीसा को, क्योंकि यहाँ पर जो मैजिक डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है उस हिसाब से यहाँ पे रिलीफ फंड भी दिया गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका ये साइक्लोन यश आया है ना, इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो आपके सुंदरबन है, जो सुंदरबन डेल्टा है, वहां पर हमें बहुत ही ज्यादा जो एक तरीके से कह सकते हैं ना कि प्रॉब्लम्स वहां पे भी देखने को मिली है। जो वहां पे आप अगर सुंदरबन की बात करें तो आप लोगों ने सुंदरबन देखा होगा, ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ मैप में। देखो ये आपका सुंदरबन है, एक बार जूम करके मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखो ये आपका इंडिया है, इंडिया और बांग्लादेश के जस्ट नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सुंदरबन डेल्टा जो है वो फॉर्म होता है। तो ये आपका सुंदरबन है, और सुंदरबन में यहाँ पर हमें काफी हद तक डैमेज देखने को मिला है। किसकी वजह से, साइक्लोन यश की वजह से, क्योंकि साइक्लोन यश जो है वो आपका इस तरीके से यहाँ पर आया है, और सबसे पहले उसने उड़ीसा को, वेस्ट बंगाल को और झारखंड को अपने इम्पैक्ट में लिया है। और साथ ही साथ अगर आपका सुंदरबन देखा जाए तो सुंदरबन आपका एकदम फ्रंट पे पड़ता है, तो वो भी यहाँ पर काफी हद तक प्रॉब्लम में आ गया है। तो यहाँ पे काफी हद तक हमें डैमेज देखने को मिला है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे यही चीज पे बारे में बात हो रही है कि यहाँ पर ये जो डैमेज वगैरह हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। अब आप लोग मुझे बता सकते हो कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, बिकॉज वेदर एंड क्लाइमेट हैज अ वेरी बिग डिफरेंस, ठीक है, वेदर में और आपके क्लाइमेट में काफी बड़ा डिफरेंस होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इसी की वजह से यहाँ पर इतने सारे साइक्लोन्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इतना ऑल ऑफ सडन इतनी जो वार्मिंग हो रही है आपके सीज की, ओशंस की, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, उसकी वजह से आपके जो साइक्लोन्स हैं वो यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। और अगर हम आपके पहले के 3 साल के हिसाब से देखें, अभी पास्ट 3 इयर्स के हिसाब से देखें, तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग हैं जो कि यहाँ पर काफी हद तक परेशान है, क्योंकि देखो सुंदरबन में करीब 5 मिलियन तक लोग रहते ही होंगे, इतने लोग वहां पर रहते हैं। और यहाँ पर जो साइक्लोन्स अभी तक आए हैं, एक तो आपके देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, 2 तरीके के साइक्लोन्स होते हैं, एक होते हैं आपके टेम्परेट साइक्लोन्स और दूसरे होते हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। आई हैव टोल्ड यू कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ आते हैं और टेम्परेट साइक्लोन्स कहाँ आते हैं। मैंने आपको एक मैप दिखाया था, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर ट्रॉपिकल है और कहाँ पर टेम्परेट है। अगर आप यूरोप वगैरह पूरे एरिया में देखोगे तो वहाँ पर आपको टेम्परेट साइक्लोन्स ही मिलेंगे, बट अगर आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखोगे तो वहां पर आपको ज्यादातर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अभी तक हमारे यहाँ आए हैं, ठीक है, जैसे फानी हो गया 2019 में आया, बुलबुल आया आपका नवंबर 2019 में, अम्फान आया 2020 में और यस आ गया 2021 में। तो इनके आने की वजह से क्या हुआ है कि मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है हमें सुंदरबन में। अब यहाँ पर आपकी देखो पॉपुलेशन भी रहती है, तो इसकी वजह से देखो क्या होता है कि यहाँ पर काफी हद तक प्रॉब्लम जो डैमेज वगैरह है वो इन लोगों को भी यहाँ पर सफर करना पड़ता है। बिल्कुल सही, क्लाइमेट चेंज मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है, शिफ्ट हो जाता है वेदर में, डेफिनेटली। अब चलो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है सुंदरबन के बारे में जानना। देखो बेसिकली अगर सुंदरबन की बात करें हम, तो इट इज अ वास्ट कंटीजियस मैनग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, हमारे जो कोस्टल रीजन है बे ऑफ बंगाल का, और ये आपका स्प्रेड है इंडिया और बांग्लादेश की तरफ, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट है ये डेल्टा, ये आपके गैंजेस से बनता है, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी भी है और आपकी जो मेघना रिवर है, जो ब्रह्मपुत्र में आपकी बेसिकली अगर देखा जाए तो मेघना एक ट्रिब्यूटरी है उसकी, डिस्ट्रीब्यूटरी है उसकी मेघना, ठीक है, वो आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपका सुंदरबन डेल्टा जो है वो फॉर्म होता हुआ नजर आता है। ऑलराइट, उसके बाद ये कंटेन करता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। अब मैनग्रोव्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद देखो, मच ऑफ द एरिया हैज लॉन्ग हैड द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व, बट कंजर्वेशन एफर्ट्स इन इंडिया वर स्टेप्ड अप विद द क्रिएशन ऑफ सुंदरबन टाइगर रिजर्व। यहाँ पे हमें काफी सारे टाइगर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसको इसीलिए यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया था। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कब किया गया था, 1973 में। उसके बाद जो सुंदरबन नेशनल पार्क है उसको स्टैब्लिश किया गया था 1984 में, और ये कॉन्स्टिट्यूट करता है कोर रीजन को विद इन द
द टाइगर रिजर्व, और इसको डेजिग्नेट किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कब किया गया था 1987 में। तो ये आपके लिए चीजें हो जाती हैं काफी हद तक इम्पोर्टेंट। उसके बाद अगर बात करी जाए, देखो सुंदरबन जो है आपके, इनको डेजिग्नेट किया जाता है एज बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो बाय यूनेस्को, और ये कब किया गया था आपका 2001 में। तो देखो ये कितने सारे पॉइंट्स जो है वो आपको सुंदरबन से रिलेटेड नजर आ रहे हैं, तो ये आपके लिए काफी हद तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो जो सुंदरबन वेटलैंड है उसको इंडिया का रिकॉग्नाइज किया गया था वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत आ गया था ये जनवरी 2019 में। ओके, रामसार कन्वेंशन के बारे में सबको पता ही होगा, होमवर्क है आप लोगों का, आप लोग मुझे रामसार कन्वेंशन के बारे में कमेंट करेंगे, ठीक है, इट्स योर होमवर्क। चलिए फिर उसके बाद जो आपका सुंदरबन नेशनल पार्क है उसको बोला जाता है इट इज नोन फॉर इट्स रिच फॉर इट्स वाइड रेंज ऑफ फौना, ठीक है, जिसमें आपकी करीब 260 बर्ड्स की स्पीशीज आ जाती हैं, देयर आर 260 बर्ड स्पीशीज, एंड यहाँ पर आपके इट्स अ होम फॉर योर मेनी रेयर एंड ग्लोबली थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, जैसे कि आपके एस्टुरियन क्रोकोडाइल हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वाटर मॉनिटर लिजर्ड है, गैंजेटिक डॉल्फिन है जो कि यहाँ पे सिर्फ आपको इंडिया में देखने को मिलती है, और आपके जो ऑलिव रिडली टर्टल्स है, तो ये स्पीशीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो आपका सुंदरबन डेल्टा है, बेसिकली इट इज द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड विच इज इनहैबिटेटेड बाय टाइगर्स, ठीक है, और यहाँ पर फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन, यहाँ पे जो आपका डिस्कवरी इंडिया है यानी कि जो वर्ल्ड वाइड फंड है इंडिया का पार्टनर विद गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है, लोकल कम्युनिटीज हैं आपके सुंदरबन 2019 में, ये सब यहाँ पर क्या है कि इसकी प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको देख लिया, ये आपका यहाँ पर सुंदरबन आ जाता है, ठीक है, ये आपका बांग्लादेश का मैप है और ये है इंडिया का मैप। ऑलराइट, उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सुंदरबन, क्योंकि यहाँ से तो आपकी गंगा नदी आती है, ठीक है, और यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र में से मेघना ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो उसकी यहाँ पर जो डेल्टा फॉर्म होता है उसे हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। चलो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपका मैंग्रोव्स, के मैंग्रोव्स एक्चुअल में क्या होता है, देखो भाई मैंग्रोव्स क्या है, प्लांट कम्युनिटीज हैं जो कि अकर करती हैं आपके इंटर टाइडल जोन में, यानी कि जो आपके कोस्ट होती है ना, कोस्ट होती है आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज की, तो वहां पे आपको ये मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। जो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं मल्टीपल इकोलॉजिकल फंक्शन, तो इनके द्वारा यहाँ पे मल्टीपल इकोलॉजिकल फंक्शन यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन होता है आपके वुडी ट्रीज का, प्रोविजन होता है आपके हैबिटेट का, फूड होता है, स्पॉनिंग होता है, ठीक है, फिन फिश है यहाँ पे, शेल फिश मिलती है आपको, प्रोविजन है ये हैबिटेट बर्ड्स का, ठीक है, और आपके जो भी वैल्यूएबल फौना है, प्रोटेक्शन है ये आपके कोस्ट लाइन्स की, और एक्सक्रेशन ऑफ योर सेडिमेंट टू फॉर्म अ न्यू लैंड। तो अमंग द स्टेट्स ऑफ यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज जो वेस्ट बंगाल है उसके पास हाईएस्ट परसेंट ऑफ एरिया है, ठीक है, जो कि आपके टोटल मैंग्रोव कवर करता है। उसके बाद आपका गुजरात आता है, उसके बाद आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फिर आपका जो इंडिया स्टेट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट गिव्स द डेटा अबाउट मैंग्रोव्स एंड देयर कंडीशंस इन द कंट्री। तो यहाँ पे जो इंडिया का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसके द्वारा हमें डेटा मिलता है अबाउट योर मैंग्रोव्स कि उनकी किस तरीके की कंडीशंस हैं कंट्री के अंतर्गत। ओके, सो ये हो गए आपके मैंग्रोव्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे आई थिंक आपको ये टॉपिक हो गया होगा क्लियर। चलो अगले उस पर चलते हैं। अब यहाँ पे देखो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे अभी आप लोगों को पता है कि जीएसटी की एक पर्टिकुलर काउंसिल हुई थी, ठीक है, काउंसिल मीट हुई थी आपकी 28 तारीख को, और उसमें यहाँ पर टैक्स के ऊपर कोई भी रिलीफ नहीं मिला है। जो भी आपके कोविड एसेंशियल्स होते हैं उस पर जो आपका टैक्स वगैरह लगता है उस पर यहाँ पर अभी कोई भी हमें कोई भी रिलीफ देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आपकी बेसिकली इन लोगों को अभी रिपोर्ट देनी पड़ेगी जीएसटी काउंसिल्स को जून 8 तक, ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करा गया था एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को टू एग्जामिन पॉसिबल वेवर्स ऑफ योर जीएसटी लेवीज ऑन एसेंशियल कोविड रिलीफ मटेरियल, जिसमें आपका वैक्सीन आ जाती हैं, ठीक है, और आपके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो यहाँ पर एक्सप्रेस कर रही हैं अपने कंसर्न्स को, क्योंकि जो डिले हो रहा है ना, जो डिले हो रहा है कि इस पर्टिकुलर क्रिटिकल डिसीजन पे, कि कम से कम देखो आपकी जो सेकेंड वेव है अभी वो बहुत हवा में चढ़ रही है, ठीक है, तो कई जगह कुछ कुछ जगह क्या है कि वो थोड़ी सी धीमी भी पड़ गई है। अब ये
एक्चुअल में धीमी पड़ी है या फिर कम टेस्ट हो रहे हैं कुछ यहाँ पे पता नहीं चल रहा है उस चीज के बारे में, क्योंकि अगर टेस्ट होंगे तो खुलेआम आपके बहुत सारे अभी तो लोग मिलने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर एकदम से जो ये डेकलाइन देखने को मिल रहा है कि इतने इतने लोग कम हो गए हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके चलिए, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर बोला गया है कि जो आपके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनसे कि वो यहाँ पे एग्जामिन करें, ठीक है, और उसके हिसाब से यहाँ पे पॉसिबल वेवर्स दे आपकी जीएसटी लेवीज पे, जो भी आपकी एसेंशियल चीजें हैं उन पर कितना यहाँ पर लगना चाहिए, और ये रिपोर्ट देनी है इनको कब तक, जून 8 तक। ओके चलो, अब यहाँ पे देखो विड्रॉ ट्रांसफर ऑर्डर ऑफ चीफ सेक्रेटरी। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपके जो चीफ सेक्रेटरी हैं, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी हैं आपके वेस्ट बंगाल के, उनको यहाँ पर बोला जा रहा है, उनका जो ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, उसके हिसाब पे यहाँ पर जो आपकी ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी यहाँ पे बोल रही है कि जो विड्रॉ हो रहा है, जो ट्रांस मतलब विड्रॉ कर दीजिए इस ट्रांसफर को जो कि यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी का हो रहा है। अब बेसिकली पूरी कहानी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पर फॉलोइंग द एब्सेंस ऑफ वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर एट द रिव्यू मीटिंग, अभी क्या हुआ था कि रिव्यू मीटिंग हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा एक रिव्यू मीटिंग करी गई थी, उसमें आपकी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं दैट मींस ममता बनर्जी जी, वो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट थी, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं आई थी, बट वो पर्सनली आके प्रधानमंत्री से मिली थी और वहाँ पर जाकर उन्होंने बातचीत करी थी। अब ये जो मीटिंग थी ये हुई थी आपके साइक्लोन यस के बारे में, क्योंकि जो भी यहाँ पर डिस्ट्रक्शन डैमेज हुआ है उसके लिए जो भी बातचीत थी वो यहाँ पर करी थी प्रधानमंत्री द्वारा। तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स थे कमेटी के, कमेटी ऑफ यूनियन कैबिनेट, इट अटैच द स्टेट सेक्रेटरी, स्टेट चीफ सेक्रेटरी टू द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनियन कैबिनेट है वो बेसिकली क्या करती है, वो अटैच करती है आपके स्टेट चीफ सेक्रेटरी को सेंटर के मतलब सेंटर से। तो डिटेल्स यहाँ पर ये है, देखो जो डिपार्टमेंट है आपके पर्सनल एंड ट्रेनिंग का, वो इन्वोक करता है रूल 6 को ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 1954 की बात है, यहाँ पर क्या है 1954 में इट वॉज लाइक टू प्लेस द सर्विसेज ऑफ वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर्स थे वो यहाँ पर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ने यहाँ पर लाए गए थे उनके द्वारा, कि ये जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है दैट टू रिलीव द ऑफिसर विद इमीडिएट इफेक्ट एंड डायरेक्टेड हिम टू रिपोर्ट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एट द नॉर्थ ब्लॉक इन दिल्ली। तो उनको बोला गया कि आप यहाँ पर आके दिल्ली में रिपोर्ट करो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो रूल्स है, आखिरकार ये रूल्स क्या बोलते हैं आपके, तो देखिए फॉर द प्रीमियर सिविल सर्विसेज, जैसे कि आपके आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है। तो ये जो ऑफिसर्स हो गए आपके स्टेट कैडर के, इनको अलॉट किया जाता है बाय सेंटर फ्रॉम अ पूल ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम देयर इज अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑफिसर्स जिनको यहाँ पर सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए भेजा जाता है। उसके बाद जो होम मिनिस्ट्री है आपकी, होम मिनिस्ट्री ही आपकी अथॉरिटी है जो कि कंट्रोल करती है आपके आईपीएस कैडर को, ठीक है। और ये जो आपका डिपार्टमेंट है पर्सनल ट्रेनिंग का, ठीक है, जो कि आपके जो आईएएस कैडर वगैरह होते हैं ये सब आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये होते हैं आपके आईएफएस कैडर के, ठीक है। तो जो आपके आईपीएस वगैरह कैडर के होते हैं तो वो आपके डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग हो गए आपके आईएएस वगैरह के लिए, आईएएस कैडर के लिए। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है फॉरेस्ट है क्लाइमेट चेंज है वो किसके लिए है, आईएफएस के लिए। ऑलराइट चलो, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज बोली गई। तो यहाँ पर क्या है कि इनको बेसिकली शिफ्ट किया जा रहा है, जो बंदोपाध्याय जी हैं यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं आपके वेस्ट बंगाल के, तो उनको बोला जा रहा है कि वो यहाँ पर दिल्ली में आके रिपोर्ट करें। बेसिकली उनका ये जो ट्रांसफर है उस पर यहाँ पर ममता बनर्जी ने बोला है कि भैया इसको कर दो आप विदड्रॉ। ऑलराइट चलिए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो यहाँ पर अभी यूएस गए थे और यहाँ पर जो भी बातचीत हुई है उनकी, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि यूएस यहाँ पर बहुत जल्दी ही डिसीजन लेगा वैक्सीन इशू पे। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है हमारे, वो वहाँ पे यूएस के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, उनसे मिले थे, उनसे काफी सारे जो इश्यूज थे उन पे बात करी गई थी। उसमें आपका COVID-19 वैक्सीन का आया था, क्योंकि देखो मेन अभी एजेंडा क्या है COVID-19 वैक्सीन का, क्योंकि हमारे यहाँ जिस हिसाब की क्राइसिस देखने को मिल रही है, एंड ये क्राइसिस तो कुछ भी नहीं, अभी जो थर्ड वेव आने वाली है उसके लिए भी हमें प्लानिंग की जरूरत है। तो COVID-19 वैक्सीन पर इनकी बात करी गई। उसके बाद इंडिया और चाइना के बॉर्डर का जो इशू चल रहा है उस पर भी बात हुई, और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज पे भी बात करी गई, क्योंकि देखो आप लोगों
लोगों को पता है कि यूएस इज वेरी मच कंसर्न अबाउट क्लाइमेट, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट भी लेकर आए थे ये नेट जीरो वाला, कि 2050 तक ये लोग जो आपकी क्लाइमेट है उसको बिल्कुल नेट जीरो पर ले आएंगे, ठीक है, जो आपका एकदम से जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो वो सारी चीज़ों पे यहाँ पर इनके बारे में और बातचीत हुई। उसके बाद जो क्वाड की रिलेशनशिप है, जो बेसिकली आपका जो क्वाड है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें ना आपकी चार कंट्रीज आ जाती है, एक आपका इंडिया है, एक आपका यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और है आपका जापान। चार कंट्रीज आती हैं जो कि आपके इंडो पैसिफिक रीजन को एकदम सुरक्षित बनाने का दावा करती हैं। तो इनका क्या है, इन चारों कंट्रीज का बाकी सारा जो डेवलपमेंट है और आपस में जो भी फाइनेंस वाली चीज़ें हैं उनके बारे में बात होती रहती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों पे इन दोनों के बीच में बात हुई है कि किस तरीके से यहाँ पे हमें असिस्टेंस मिलेगा। असिस्टेंस किस चीज़ पे मिलेगा कि जो वैक्सीन वगैरह हैं उन पर, क्योंकि अभी यहाँ पर देखो क्या है कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी यहाँ पर हाल फिलहाल में ये कमिट किया है कि वो शेयर करेंगे करीब हमसे 60 मिलियन एस्ट्राजेनेका डोजेस और करीब 20 मिलियन हमें एडिशनल वैक्सीन डोजेस देंगे यहाँ पर, ताकि बेसिकली क्या मतलब सॉरी 60 मिलियन हमें दी जाएंगी, 20 मिलियन बाकी सारे लोगों को दी जाएंगी। अब ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखो आप लोगों को पता है कि इंडिया की जो सिचुएशन है वो अभी काफ़ी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोगों को अभी वैक्सीन मांगनी पड़ रही है बाहर की कंट्रीज से, क्योंकि हमारे यहाँ खुद अभी जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा अभी हिला हुआ है, क्योंकि कल आप लोगों ने देखा था कि कोवैक्सीन मतलब बेसिकली आपका जो भारत बायोटेक है उन्होंने भी साफ साफ बोला था कि जो वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है उसमें करीब से करीब आपके 120 दिन लग जाते हैं, इट टेक्स 120 डेज। तो यहाँ पर जो जून है, जून में आपका जो एक पर्टिकुलर बैच होता है वैक्सीन का वो यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो आगे बैच बनाए जाएंगे वो आएंगे। तो और वैसे भी हमारे यहाँ जो मास वैक्सीनेशन है वो अभी हाल फिलहाल में बहुत रुका हुआ है, वो अभी प्रॉपर तरीके से हो भी नहीं रहा है। अगर वो एक बार यहाँ पर ढंग से शुरू हो जाए तो कम से कम हमारे यहाँ जो इश्यूज चल रहे हैं वो थोड़े से कर्व आउट हो जाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद देखो यहाँ पर फिर से वही बात करी गई है आपके चीफ सेक्रेटरी के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर से जो बातचीत करी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या है, ऑन May 28 जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, ठीक है, आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल डायरेक्टरेट के अंतर्गत आता है, तो वो बेसिकली डायरेक्ट करता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को, इनका नाम है अलापन बंदोपाध्याय, जिनको यहाँ पे रिपोर्ट करना है दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर बेसिकली वो क्या है कि रिव्यू मीटिंग में यहाँ पर आई नहीं थी, उसके बाद यहाँ पर वो साफ साफ मना कर रही है कि बेसिकली यहाँ पर इनका जो आप लोग ट्रांसफर करवा रहे हो उसको यहाँ पर क्या कर दो, उसको यहाँ पे विड्रू कर दो। अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक कस्टम होता है, यहाँ पे तो ये रूल्स की बात हो गई कि रूल के हिसाब से इनको वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं, वो सारी चीजें अलग है, बट यहाँ पर क्या है कि अगर कस्टम के हिसाब से देखें तो ये जो ऑफिसर है ऑफिसर के बिना विल के हिसाब से ये उसको वहां पे बुला ही नहीं सकते हैं। जब तक उनकी खुद की मन मर्जी नहीं होगी तब तक ये वहां पर नहीं जा सकते हैं। ऑलराइट, इनको यहाँ पर इनसे जबरदस्ती नहीं करी जा सकती है। ओके, चलो अगली खबर देखो, यहाँ पर जो हमारे बेसिकली अजीत डोवाल जी हैं, यानी कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने बोला है कि जो आपकी कोस्ट गार्ड है, ठीक है, कोस्ट गार्ड पे यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा देनी चाहिए। क्यों बढ़ा देनी चाहिए, देखो यहाँ पर क्या है कि ऑब्जर्व किया गया है कि जो आपके कोस्ट गार्ड है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सपोर्ट करने में नेबरिंग कंट्रीज को, जो कि आपकी कहाँ पर है, इंडियन ओशन रीजन में है, जो आपकी इंडियन ओशन रीजन में जो कंट्रीज आ जाती है उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो आपके कोस्ट गार्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यानी कि अजीत डोवाल जी, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि हमें यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको यहाँ पर बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो इंडिया का मैरीटाइम जोन है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने साफ साफ यहाँ पे बोला कि अगर हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो उसी के हिसाब से यहाँ पर चीजें होती हुई नजर आएंगी। ऑलराइट, चलो अब यहाँ पे देखो अगली खबर है आपकी कि यहाँ पर 10 लाख कॉर्पस फंड दिया जा रहा है फॉर एवरी चाइल्ड ऑफन बाय COVID-19। यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ है कि आपके जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने सैटरडे को अनाउंस किया है जो आपका पीएम केयर फंड है चिल्ड्रंस के लिए, ये पर्टिकुलर जो स्कीम है ये आई है उन बच्चों के लिए जो कि COVID-19 की वजह से अनाथ हो चुके हैं, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को यहाँ पर खो दिया है, तो उनके लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्कीम आई है जो कि इंक्लूड करती है कॉर्पस ऑफ 10 लाख
ठीक है, 10 लाख दिए जा रहे हैं हर एक बच्चे को जो कि यहाँ पर 18 साल तक का हो जाएगा। उसके बाद ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन लिया गया है, एक पर्टिकुलर मीटिंग हुई थी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है, और जिसमें यहाँ पे बात करी गई थी कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या है कि अभी आपका जो COVID-19 की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अनाथ हुए हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स की यहाँ पे डेथ हो गई है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर वैसे भी देखने को मिली है। तो अभी यहाँ पर काफी सारी इन बच्चों के बारे में बात हो रही है क्योंकि देखो जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके यहाँ पर हमें तुरंत केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस टाइम पे उनका जो ये पर्टिकुलर टाइम है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उन्हें केयर की काफी ज्यादा जरूरत है। तो टाइमली सपोर्ट अभी अगर देखा जाए तो सेंटर ने यहाँ पे अनाउंस किया एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एड पैकेज जो कि यहाँ पर ऑर्फन बच्चों के लिए है जो कि यहाँ पे पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर ऑर्फन हुए। सो स्टूडेंट्स कैन बी एनरोल्ड इन केंद्रीय विद्यालय और प्राइवेट स्कूल विद द गवर्नमेंट टेकिंग केयर ऑफ एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको केंद्रीय विद्यालय या फिर जो प्राइवेट स्कूल होते हैं आपके, ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस का देखभाल करेगी कि जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे पर बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के बारे में सोच रही है। और जो स्टूडेंट्स हैं आपके 11 से 18 साल के उनको यहाँ पे एनरोल किया जाएगा सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा इनको 5 लाख का, कॉर्पस दिया जा रहा है इनको 10 लाख का हर एक बच्चे को। उसके बाद मंथली स्टाइपेंड दी जाएगी विल बी ऑफर्ड फ्रॉम योर कॉर्पस आफ्टर 18 साल, ठीक है, 18 साल के बाद इनको मंथली स्टाइपेंड भी दी जाएगी। और जो लमसम है टू बी डिस्पर्स्ड वंस द एज ऑफ 23 इज अटेंड, तो 23 साल हो जाएंगे इनको तब ये पर्टिकुलर चीजें यहाँ से हट जाएंगी, तब तक ये यहाँ पर रहेंगी, ठीक है, और इन पे काफी हद तक यहाँ पर जो केयर है बच्चों की वो करी जाएगी। तो यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर प्लान अभी सरकार लेकर आई है वो काफी हद तक अच्छा है क्योंकि इन बच्चों के लिए एट प्रेजेंट ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उनका यहाँ पे कहना है कि देर आर टोटल 577 COVID-19 ऑर्फेंस, ठीक है, जो कि अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई करे गए हैं पूरी कंट्री में, कितने 577 हैं, 577 हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज बोली गई है और आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ओके, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये पर्टिकुलर जो पिक्चर है इसका भी आप लोग एक बार इसको देख लेना कि यहाँ पर आपकी सरकार है वो क्या क्या चीजें कर रही है बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज पर, उनकी हेल्थ पे भी यहाँ पे फोकस कर रही है, जो अभी एट प्रेजेंट जो नीड और जो केयर बच्चों को चाहिए वो यहाँ पर पूरी तरीके से उनको मिलनी चाहिए, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है कि जो GST पर अभी एक कंफ्यूजन चल रही है उसको क्लियर करने की बात करी गई है क्योंकि देखो गवर्नमेंट को अभी बहुत अर्जेंटली रिजॉल्व करना चाहिए इस कंफ्यूजन को जो कि अभी यहाँ पे एक GST रेट के ऊपर यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, ठीक है, तो जो आपके ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स वगैरह हैं जो कि इंपोर्ट होते हैं पर्सनल यूज वगैरह के लिए, तो यहाँ पर जो टैक्स एक्सपर्ट वगैरह है वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो भैया जल्दी से जल्दी अगर आप कंफ्यूजन को यहाँ पे हटा दोगे तो कम से कम क्या होगा कि एक बेसिकली एक तो आपको जो रेट है वो थोड़े से कम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई थी विच इज ब्रिंगिंग डाउन द रेट फ्रॉम 28% टू 12% फॉर द पर्सनल इम्पोर्ट्स हैव बीन क्वेश्ड एंड द रिलीफ ऑफ एग्जेम्पशन गिवन बाय द हाई कोर्ट सीम्स टू बी इन ओनली इन वन केस ऑफ फ्री इम्पोर्ट्स। सो बेसिकली यहाँ पर यहाँ पे इनको कोई ना कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर एक क्या हो गया ना कंफ्यूजन सी क्रिएट हो गई है, तो उसको यहाँ पर हटाने के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपकी जो एक तलवार है ना वो लटकी हुई है, अभी वो पेंडुलम की तरह इधर उधर हिल रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ऑलराइट, चलो अब यहाँ पे देखो जो आपका कोविन है, कोविन आपकी बेसिकली क्या है, रजिस्ट्रेशन ऐप है आप लोगों को पता होगा जिससे हम लोग यहाँ पर अपनी वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर करके हमें स्लॉट बुक करने होते हैं और उसके बाद हमारी वैक्सीन लगती है। तो यहाँ पे जो कोविड का डेटा है वो शो कर रहा है राइज इन वैक्सीनेशन, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका वैक्सीनेशन है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पर एक 5 दिन का एक पर्टिकुलर वो देखा गया है, सर्वे देखा गया है जिसके हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि जो पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है, पॉजिटिव ट्रेंड कैसा है कि भैया यहाँ पर जो आपके वैक्सीनेशन है उनमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, वो यहाँ पर हो रहे हैं इंक्रीज। अब वैसे भी देखो वैक्सीन लगना तो ज्यादा जरूरी है ही, ठीक है, और आपके दिल्ली में तो अभी होल्ड कर दिया गया है, दिल्ली में अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हो तो आपको वैक्सीन अवेलेबल मिलेगी, यू विल गेट द वैक्सीन, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, बट इफ यू आर गोइंग टू द गवर्नमेंट वन तो वहां पर अभी वैक्सीन को होल्ड कर दिया गया है, बट प्राइवेट में आपको पैसे दे के जरूर वैक्सीन मिल जाएगी, डेफिनेटली मिलेगी, ओके। चलिए
अब यहाँ पे देखो, डैजलिंग द स्काई सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम कंप्लीट 25 ईयर्स। अब बेसिकली ये क्या है, ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको एक बारी देख लेते हैं। देखो क्या है कि यहाँ पर हो रहा है आपका सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले, ठीक है। एक पर्टिकुलर टीम है आपकी, ये है आपके इंडियन एयरफोर्स की, जो यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये जो एयरक्राफ्ट देख सकते हो आप लोग, तो ये जो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम है, ये आपकी फ्लाई कर रही है चेन्नई टू कॉमेमोरेट 50 ईयर्स ऑफ द 1971 लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश। लिबरेशन आपके 1971 में लिबरेशन वॉर हुआ था बांग्लादेश का। अभी आप लोग जो बांग्लादेश का मैप देखते हो, ठीक है, जैसे ये इंडिया है और ये आपका बांग्लादेश है, तो ये पहले क्या होता था, ये होता था आपका ईस्ट पाकिस्तान, और जो ऊपर आपको पाकिस्तान दिखता है वो होता था आपका वेस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ पर 1971 में हो गया था आपका एक लिबरेशन वॉर, और इस वॉर में क्या था कि यहाँ पर ये जो ईस्ट पाकिस्तान है, इसको बना दिया गया था बांग्लादेश। क्या बना दिया गया था? बांग्लादेश। एक तो पहले ही यहाँ पर आपके अंग्रेजों ने बंटवारा किया था, उसके बाद यहाँ पर फाइनल बंटवारा हो गया, पाकिस्तान आपका अलग हो गया। पाकिस्तान के बाद यहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान था वो तब्दील हो गया बांग्लादेश में, ठीक है। यहाँ पर बांग्लादेश बना दिया गया था। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि इसके 50 साल को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए अपने लिबरेशन वॉर को, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर जो ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जो कि आपके रेड एंड व्हाइट कलर में है, वो कंप्लीट कर रहे हैं अपने 25 साल को, ठीक है, 25 ईयर्स को यहाँ पर ये कंप्लीट कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर आपकी जो सूर्य किरण एरोबेटिक है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रही है, ये आपकी इंडियन एयरफोर्स की टीम है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखें। और बेसिकली यहाँ पे वन ऑफ द फ्यू 9 एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, पर्टिकुलर जो टीम है वो आपके वर्ल्ड की, इट इज वन ऑफ वन इन ओनली वन इन एशिया, ठीक है। और ये टीम कैरी करती है करीब यहाँ पर 600 डिस्प्ले अक्रॉस द कंट्री एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये यहाँ पर पहले तो पूरी कंट्री में एंड देन आपके साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पर ये डिस्प्ले करते हैं। ऑलराइट, चलो। और बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, उसकी सेलिब्रेशंस की भी यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं, कि किस प्रकार से यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी, उसी की यहाँ पर तैयारियां की भी जा रही हैं। ओके, चलो। अब यहाँ पे देखो, श्रीलंका में बेसिकली क्या हो रहा है कि श्रीलंका यहाँ पे फेस कर रहा है मैरीन डिजास्टर को आफ्टर शिप फायर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है वो यहाँ पे पाइल अप हो रहा है आपके कोस्ट के अंदर। बेसिकली आपका जो श्रीलंका है, वैसे भी देखो आप लोगों को पता है कि श्रीलंका में जो श्रीलंका की अभी स्थिति है वो काफी अच्छी तो है नहीं, ठीक है। वहां पर जो डेवलपमेंट है वो आपका ज्यादातर किसने कराया है? चाइना ने, ठीक है। चाइना ने उन्हें अभी लोन भी दिया है, करीब कुछ आई थिंक 1.2 बिलियन का यहाँ पर लोन भी दिया है। तो श्रीलंका भी काफी हद तक यहाँ पर फेस कर रहा है प्रॉब्लम। किस वजह से? पोल्यूशन क्राइसिस यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो वेव्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट है वो यहाँ पर बेसिकली फ्रॉम अ बर्निंग कंटेनर शिप हिट द कोस्ट एंड थ्रेटन टू डिवास्टेट द लोकल एनवायरमेंट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो प्लास्टिक वगैरह है वो यहाँ पे पाइल अप होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर शिप कंटेनर है, ठीक है, वो यहाँ पे बर्न होता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, जो थ्रेट है एनवायरमेंट के लिए वो काफी हद तक यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे यही चीज बोली गई है कि बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इतने सारे लोग हैं, ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर जो स्थिति है श्रीलंका की वो इतनी अच्छी नहीं है, और यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स जो देखने को मिल रही है वो काफी हद तक प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पर आपका टाइनी पॉलीथाइनिन पैलेट्स मिले हैं, जो कि यहाँ पे थ्रेटन कर रहे हैं इसके टूरिज्म को, जो बीचेस वगैरह है और जो फ्रिश ब्रीडिंग वगैरह आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है शैलो वाटर्स में, तो यहाँ पे काफी हद तक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो फिशिंग है उसको भी बैन कर दिया गया है 80 किलोमीटर के स्ट्रेच के हिसाब से। ऑलराइट, और यहाँ पर जो शिप्स वगैरह है उनको यहाँ पर करीब 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे बर्न होता हुआ नजर आया है। ऑलराइट, हाँ, बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इज मोर देन एज कम्पेयर टू इंडिया, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही थी आपके श्रीलंका के अंदर जो पॉल्यूशन अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो इनकी बेसिकली जो आपकी श्रीलंका की मरीन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि जो माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो यहाँ पर काफी हद तक, मतलब काफी सालों से यहाँ पर प्रॉब्लम, जो इकोलॉजिकल डैमेज है वो यहाँ पर कॉज करता हुआ आ रहा है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, आप लोगों को पता है कि बेलारूस में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हुई थी। अब ये प्रॉब्लम क्या थी ये मैं आपको बताती हूँ। ये आप लोगों ने बेसिकली, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। यहाँ पे देखो,
यहाँ पर ये आपका बेलारूस आ जाता है एंड दिस इज इन यूरोप. बेलारूस कहाँ पर है आपका? यूरोप में है. तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अब ये पीछे का मैप जो है वो आपका कट गया, तो यहाँ पे समझ लो ये ग्रीस है. ग्रीस से यहाँ पर एक फ्लाइट आ रही थी और ये फ्लाइट को क्या है, जब ये आपके बेलारूस की तरफ गई तो यहाँ पर इसको रुकवा दिया गया, जबरदस्ती इसको लैंड करवाया गया. कहाँ पर? मिंस्क पे. मिंस्क क्या है आपके बेलारूस की कैपिटल है, तो यहाँ पर इसको लैंड करवाया गया जबरदस्ती, फोर्सफुली यहाँ पे लैंड करवाया गया. क्यों लैंड करवाया गया? क्योंकि यहाँ पर इनकी स्ट्रैटेजी थी. स्ट्रैटेजी क्या थी? एक जर्नलिस्ट को पकड़ने की. अब ये जर्नलिस्ट कौन है और किसने इनको पकड़वाया ये जानते हैं. देखो भाई क्या है कि बेलारूस में आपके जो आखिरी यूरोपियन लीडर बचे हैं, मतलब बेसिकली यूरोप के जो आखिरी लीडर हैं, इनका नाम है अलेक्जेंडर ल्यूकाशेंको. अलेक्जेंडर ल्यूकाशेंको जो है वो यहाँ पर आखिरी लीडर बचे हुए हैं. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये तानाशाह की तरह ही वर्क करते. तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो जर्नलिस्ट है आपका, जर्नलिस्ट का नाम है रोमन. तो ये रोमन जो था इसने बेसिकली क्या है कि ये रन करता है अपना एक पर्टिकुलर नेक्स्टा है इसका एक बेसिकली इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है यहाँ पे, जर्नलिस्ट है ये. तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका अलेक्जेंडर ल्यूकाशेंको है ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करता था, बहुत क्रिटिसाइज करता था इसको, जो कि डेफिनेटली आई पर्सनली फील बिल्कुल सही था, क्योंकि जिस तरीके की इसकी हरकत है उस हिसाब से तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म होना बहुत ज़रूरी भी है. तो ये इसको काफ़ी हद तक यहाँ पर क्रिटिसाइज करता था, इस वजह से ये आपका चला गया, क्योंकि इसको यहाँ पर डर था. क्योंकि देखो ये आपका ना एक तानाशाह की तरह, तो इसको कब पकड़ के अंदर जेल में बिठा दे, ठीक है, डेथ पेनल्टी लगा दे, कोई भरोसा नहीं है. तो इस वजह से ये चला गया कहाँ पर? लिथुआनिया. लिथुआनिया चला गया ये, लिथुआनिया जाके ये वहां पर रहने लगा और वहां से भी इसको बराबर क्रिटिसाइज करने लगा. फिर क्या हुआ कि अब ये पर्टिकुलर ना एक मीटिंग में गया था ग्रीस में. ग्रीस में इसकी एक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस थी, इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में गया. उस कॉन्फ्रेंस से ये वापस से लिथुआनिया लौट रहा था, बट यहाँ पर ये जैसे ही बेलारूस की तरफ आए तो यहाँ पे बेलारूस में इसको जबरदस्ती लैंड करवाया गया प्लेन को. ठीक है, जो आपका एयरक्राफ्ट था वो था आपका रायनेयर का. ठीक है, रायनेयर क्या है आपकी? एक इरिश, बेसिकली इरिश एयरलाइन है. तो उसका जो प्लेन था उनको यहाँ पे रुकवाया गया और रुकवाने के बाद जो ये जर्नलिस्ट था उसको यहाँ पे उतारा, पकड़ा, अपने साथ ले गए. अब बाकी तुम लोग जाओ यहाँ से. ठीक है, बाकी ये जो फ्लाइट थी आपकी वो लिथुआनिया विलेनियस में आके रुक गई. ठीक है, बट यहाँ पर इसको उतार लिया गया. अब ये जो पर्टिकुलर एक्ट था, इस एक्ट को यहाँ पर सबने क्रिटिसाइज किया, सबने बोला कि ये जो एक्ट है ये है आपका एक्ट ऑफ टेररिज्म, क्योंकि ये इस तरीके की हरकत, आप हाईजैक कर रहे हो प्लेन को, ठीक है, लोगों के अंदर डर बैठा रहे हो, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है. तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सब लोगों ने इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया और जो यूरोपियंस हैं, यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने यहाँ पर इस पे लगा दिए ढेर सारे सैंक्शन के कोई भी प्लेन जो होगा वो आपका बेलारूस के ऊपर से नहीं गुजरने वाला. ऑलराइट, तो अब यहाँ पर जो हमारे पुतिन ने यहाँ पे होस्ट किया ल्यूकाशेंको को. बेसिकली क्या है कि अभी ल्यूकाशेंको जो है वो अपने प्यारे प्यारे दोस्त यानी कि रशिया से यहाँ पर मदद मांग रहा है, तो उसी के हिसाब से वो यहाँ पर मदद दे रहे हैं उसे. तो यहाँ पर वो उसे मदद दे रहे हैं. उसके बाद क्या है कि जो आपके यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने साफ साफ यहाँ पर टारगेट किया है कि मतलब इस तरीके की जो चीज़ है यहाँ पर आप जो दिखा रहे हो ये एक बच्चों वाली हरकत है. यहाँ पर आप बदला ले रहे हो किसी चीज़ का, मतलब अगर आपको एक व्यक्ति को पकड़ना है तो आप इस हद तक गुजर जाओगे कि आप उसको किसी भी तरीके से यहाँ पर रुकवाओगे. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर उसे लैंड करवा के अब यहाँ पर उसको आप जेल में डाल दोगे. तो यहाँ पे तो कोई मतलब कोई भी पॉइंट ही नहीं बनता है जो हरकत इनके द्वारा करी गई है यहाँ पे. तो यहाँ पर क्या है कि वॉशिंगटन ने यहाँ पर इनको टारगेट किया है इसी पर्टिकुलर चीज पे कि ये जो तरीका था ये था काफी हद तक बेकार. ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्रिटिसिज्म जो है पूरे वर्ल्ड में हो रहा है और काफी हद तक क्रिटिसिज्म हो रहा है इनका. ओके, चलिए अब यहाँ पे देखो, वियतनाम ने डिटेक्ट किया है न्यू हाइब्रिड वेरिएंट. अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि नए नए वेरिएंट्स, आप लोगों को पता है कि कौन कौन से वेरिएंट्स हैं. जैसे हमारे यहाँ डबल म्यूटेशन है. ठीक है, डबल म्यूटेशन वाला जो वेरिएंट है जो आपके कहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, यूके के अंदर. और यूके का वेरिएंट हमारे इंडिया में है, साउथ अफ्रीका का भी वेरिएंट है, ब्राजील का भी है. तो ये सारे वेरिएंट्स के जो नाम है आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि इनको आप लोगों को याद रखना बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वियतनाम है, वियतनाम में यहाँ पर डिटेक्ट किए गए हैं हाइब्रिड वेरिएंट. अब ये हाइब्रिड वेरिएंट क्या है, यहाँ पर दो
बेसिकली क्या है, डिटेक्ट करा गया एक न्यू कोरोना वायरस वेरियंट। अब ये जो वेरियंट है इसमें बोला जा रहा है कि इसका जो कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन है ना इसमें, वो है इसमें से एक है आपका जो इंडिया का वेरियंट है यानी कि जो डबल म्यूटेशन वाला है, और दूसरा है आपके यूके का वेरिएंट। इन दोनों वेरिएंट का कॉम्बिनेशन है इस नए वेरिएंट में, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन गया ये नया वेरिएंट, ठीक है। और ये यहाँ पर बहुत क्विकली स्प्रेड हो रहा है बाय एयर, जो यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर है उनके द्वारा यहाँ पे पर्टिकुलर चीज बोली गई है। एंड आफ्टर सक्सेसफुली कंटेनिंग द वायरस फॉर द मोस्ट ऑफ लास्ट ईयर, जो वियतनाम है वो यहाँ पर उसके यहाँ जो इन्फेक्शन है वो एक स्पाइक के हिसाब से यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो लेट अप्रैल था वहां से आपके जो कम से कम केसेस थे वो करीब 6000, ठीक है, 6713 करीब यहाँ पर रजिस्टर किए गए थे, और यहाँ पे 47 डेथ हो गई थी। और यहाँ पर अभी ये जो नया वेरिएंट आया है उसके हिसाब से यहाँ पर काफी हद तक इन लोगों को मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। और ये जो नए वेरिएंट है ये काफी हद तक डेंजरस है, ठीक है, काफी हद तक डेंजरस है ये। तो यहाँ पर अगर प्रीवियसली जो डिटेक्ट किए गए थे वेरिएंट उनका अगर हम नाम देखें तो देखो, एक है आपका B1222, B1619, और फिर आपका था D614G, और B117 जो कि आपके यूके का है, और B1351 और A231 ये बेसिकली, और उसके बाद है आपका B16172, ये आपका इंडियन वेरिएंट है। तो यहाँ पे ये सारे जो वेरिएंट्स हैं इनके नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके कभी भी प्रिलिम्स वगैरह किसी में भी इससे क्वेश्चन बन ही सकता है, ठीक है, ये नहीं तो आपकी जो वनडे एग्जाम्स हैं उनसे तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो ये सारे जो वेरिएंट्स हैं इनका नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो खबर है आपकी ये काफी बड़ी बन जाएगी क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर अभी ये वेरिएंट इंडिया देखने को मिला है, क्या पता हमारे यहाँ आ जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। चलो अब यहाँ पे देखो फिलीपींस, अब यहाँ पे फिलीपींस का इतना हिस्सा कट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिलीपींस जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है इनके चाइना के इलीगल साउथ चाइना सी को प्रेजेंस में, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि चाइना की एक बहुत खास आदत है कि चाइना हर जगह को अपनी जगह बोलता है, जैसे वो कभी अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का नहीं मानता, बोलता है कि ये हमारी जगह है। उसी हिसाब से यहाँ पे बात करी गई है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर 84 डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बेसिकली क्या है कि जो फिलिपीन है आपका, फिलिपीन यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है कि जो ये इलीगल प्रेजेंस है और एक्टिविटीज हम लोगों को देखने को मिलती हैं आपके साउथ चाइना सी में, किसकी, चाइना की। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम देखेंगे चाइना की एक पर्टिकुलर एक इमेजिनरी लाइन है या फिर उसके द्वारा कहा गया है कि एक 9-डैश लाइन है जिसके हिसाब से जो एरिया है साउथ चाइना सी में वो है सिर्फ और सिर्फ चाइना का, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपके देखो क्या आते हैं, ये आपके पार्सल आइलैंड्स आते हैं, ठीक है, फिलीपींस आता है, ब्रुनेई आता है, ठीक है, इतना हिस्सा ये जो पूरा है ये चाइना कहता है कि ये हिस्सा जो है ये मेरा है, अपने आप से बना लिया है, और इस पे ये काफी ज्यादा लड़ाई भी करता रहता है। अभी पिछली अभी थोड़े टाइम पहले हम लोगों को एक खबर सुनने को मिली थी कि फिलीपींस में क्या हुआ था कि जो चाइना है वो करीब 200 बोट्स यहाँ पर उसकी यहाँ पर देखने को मिली थी, कहाँ पर, साउथ चाइना सी में। तो यहाँ पर इस चीज पे पर्टिकुलरली क्या हुआ था कि यहाँ पर फिलीपींस को गुस्सा आ गया था कि भैया उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था कि भाई ये क्या हरकत है कि तुम हमारी टेरिटरी में यहाँ पे घुसते हुए नजर आ रहे हो। फिर यहाँ पे चाइना ने बोला कि नहीं नहीं ये तो फिशिंग बोट्स थी, तुम इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो, फिशिंग बोट्स हैं, बैड वेदर की वजह से ये यहाँ तक खिसकती हुई चली आई है। अब यहाँ से कुछ बोट्स तो चली गई पर 80 बोट्स यहाँ पर फिर भी रह गई थी। अब इनका क्या है कि ये हर बार ही कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कहीं ना कहीं इनका जो बोट्स वगैरह है या ये खुद ब खुद वहां पे चले जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि जो टेंशन है वो यहाँ पर काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आ जाती है फिलीपींस वगैरह में, और ताइवान भी इससे काफी हद तक परेशान रहता है, ये तो हम लोगों को पता है। तो सबसे बड़ी कहानी यही है, जो आपके पार्सल आइलैंड्स वगैरह हैं और जो आपके स्पार्टी आइलैंड्स हैं ये इन पर खुद ब खुद अपना कब्जा बनाता है, कहता है कि ये जो जगह है ये साफ साफ मेरी है, ठीक है। अभी जापान के साथ भी इसका काफी हद तक एक वो चला था, ये बोल रहा था कि जो जापान का एक बेसिकली एक आइलैंड है वो उसका नहीं है, वो चाइना का आइलैंड है। तो चाइना अपना जो हक जमाने के लिए हमेशा आगे रहता है, अगर कहीं कोई आपका साउथ अमेरिका में भी कोई आइलैंड होगा ना चाइना, वो भी बोलेगा कि ये भी मुझे दिया गया था, पता नहीं इसने क्यों रख लिया या ये वहां से उड़ के वहां पहुंच गया। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है वो इनके आपस में चलती रहती है। ओके चलिए
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आ गया आपका साइंस एंड टेक वाला जो पोर्शन है, उसको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बात करी जा रही है कि जो गोल है आपके वैक्सीन का, इट इज टू प्रिवेंट सिवियर डिजीज एंड डेथ। तो अभी जो हमें सिवियर डिजीज और डेथ देखने को मिलती है, तो वो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के हिसाब से ये यहाँ पर प्रिवेंट की जा सकती है। अब प्रिवेंट कैसे की जा सकती है, तो देखिए सबसे पहले ये है गगनदीप कंग, ठीक है, और ये यहाँ पे आपकी प्रोफेसर है माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है, आपकी सीएमसी जो है वेलोर में। तो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया इस पर्टिकुलर चीज को कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है, हाउ वेरी मच इट इज इम्पोर्टेंट और किस हिसाब से यहाँ पर ये वर्क करेगा। तो देखो अगर हम इसको बहुत क्लियरली देखें, देखिए आफ्टर अप्रूविंग कोविशील्ड जो वैक्सीनेशन है आपका, देखो आप लोगों को पता है कि जो वैक्सीन है, अब उनमें एक पर्टिकुलर जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया है, जो इंटरवल था उसको यहाँ पे बढ़ाया गया है। जो आपकी कोविशील्ड थी पहले, उसमें बोला गया था कि 4 से 6 हफ्ते का टाइम रहेगा, इंटरवल रहेगा पहली डोज में और दूसरी डोज के बीच में। उसके बाद अभी यहाँ पर कर दिया गया है कि 12 हफ्तों का यहाँ पर गैप देना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो गैप है वो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इनके पास वैक्सीन की कमी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वैक्सीन की कमी है इस वजह से यहाँ पे ऐसी चीज हो रही है। नहीं, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ना उस टाइम पे इमरजेंसी के यूज के लिए इसको यहाँ पे लागू कर दिया गया था कि जल्दी जल्दी कोविशील्ड को यहाँ पर लोगों के लगाना शुरू कर दो, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो सिचुएशन थी वो बहुत सिवियर थी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या था कि कोविशील्ड पे और रिसर्चेस नहीं हो पाई थी। अब जब यहाँ पे बहुत सारी रिसर्चेस वगैरह हो रही है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें कम से कम, अगर हम 12 हफ्तों का समय देते हैं, इफ वी विल गिव 12 वीक्स टाइम, तो यहाँ पर क्या होगा, इन 12 हफ्तों के बीच के समय में जो आपके वैक्सीन का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, वो हमें काफी हद तक यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, इट विल वर्क बेस्ट ओवर हियर। सो यहाँ पर इसीलिए इसका जो समय था वो यहाँ पे आगे बढ़ा दिया गया था। तो इनके द्वारा यही चीज बोली गई है कि अगर हम यहाँ पर वैक्सीन का सही तरीके से अगर देखा जाए, तो वैक्सीन हमारे लिए काफी हद तक अच्छी है, ठीक है। और इंडिया यहाँ पे जो रेगुलेट कर रहा है कि बेसिकली जो यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि 6 हफ्तों का यहाँ पर गैप देना चाहिए, वो काफी हद तक पहले जो ट्रायल हुए थे उसके हिसाब से बोला गया था। उसके बाद जो ट्रायल हुए उसके बाद 12 हफ्ता का बोला गया। और यहाँ पर जो भी जिनको भी इन्फेक्शन वगैरह भी होता है, ठीक है, जिनको भी इन्फेक्शन वगैरह होता है, उनको 3 महीने बाद यहाँ पे वैक्सीन लगने की बात करी गई है, क्योंकि तुरंत उनको वैक्सीन यहाँ पे नहीं लग सकती है, इसीलिए उनको लगेंगी आपके 3 महीने बाद। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक डेटा के हिसाब से, ठीक है, एक आपका एक पेपर है द लैंसेट, उसके बेस के हिसाब से यहाँ पे एक एनालिसिस किया गया था। 4 randomized trials found vaccines efficacy reach 82.4%। तो जो आपकी सेकेंड डोज है, ठीक है, जब तक वो लगती है, तो यहाँ पर जो आपकी वैक्सीन की एफिकेसी है वो बढ़ जाती है 82% तक। और 12 हफ्तों बाद आफ्टर द फर्स्ट बट ओनली अबाउट 55% व्हेन गिव्स द लेस 6 weeks। अगर देखो 6 हफ्तों में ही अगर आप इस वैक्सीन को लगवा लो तो कितना आपको उसकी एफिकेसी कितनी रहती है, 55%। पर अगर 12 हफ्तों के बीच में लगवाओगे तो यहाँ पर आपकी 82% इसकी वो रहती है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक पर्टिकुलर यहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट्स वगैरह हैं, उनके ऊपर जो आपकी कोविशील्ड है वो यहाँ पर काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर ये भी देखा था कि जो आपकी पहली डोज है वो सिर्फ और सिर्फ 33% यहाँ पर, जो आपकी मतलब सेकेंड डोज जब तक लग जाएगी, ठीक है, तो आप लोग वेल एंड गुड, बेहतर हो। पर अगर आपने सिर्फ पहली डोज लगवाई है तो वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 33% तक यहाँ पे बेनिफिशियल है। ऑलराइट, तो यहाँ पर यही पर्टिकुलर बात करी गई है कि जो भी आपके वेरिएंट्स हैं, जैसे आपका B.1.617.2 वेरिएंट है, उसके बाद आपका 5.1 बेसिकली जो आपका वेरिएंट है, इस पे करीब 51% यहाँ पर ये आपकी केपेबल है, इसकी एफिकेसी इतनी है। उसके बाद जो आपका B.1.1.7 वेरिएंट है उस पर भी, तो यहाँ पर ये जो डोजेस वगैरह है, अगर यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर ये प्रोटेक्शन को बढ़ा रही है, जिसके हिसाब से अगर आप लोग वैक्सीन लगवाते हो तो आप लोग एकदम से जो आपके वायरस है, ठीक है, वो आपको एकदम से इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर मान लो कि आपको वायरस हो भी गया, ठीक है, आपको कोरोना हो भी गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग तो भी उसकी चपेट में एकदम से ज्यादा पूरी तरीके से नहीं आओगे, आप पे सिवियर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे बोली गई है कि वैक्सीन किस वजह से यहाँ पर काफी हद तक इम्पोर्टेंट रह रहा है, जो आपके वेरिएंट्स एकदम से वाइड स्प्रेड हो रहे हैं उनके हिसाब से भी यहाँ पर वैक्सीन लगवाना है आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी, ठीक है जी।
तो यहाँ पे वैक्सीन जो है आपकी काफी हद तक जरूरी है। अभी यहाँ पर इनके द्वारा भी बोल दिया गया है, शी इज अ डॉक्टर, उन्होंने साफ साफ यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज बोली है, ये प्रोफेसर है बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी में, तो उनके द्वारा यहाँ पे पर्टिकुलर चीज बोली गई है कि यहाँ पर जो एकदम से आपका जो वाइड स्प्रेड हो रहा है, जो वेरियंट है इंडिया में, क्या है इंडिया के वेरियंट का नाम, B.1.617, जो बहुत तेजी से यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर जो वैक्सीन वगैरह है वो यहाँ पर इस पर हेल्प करेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड आपका आर्टिकल है वो यहाँ पे बात कर रहा है कि देखो जो डेक्लाइन हो रहा है फॉरेस्ट बर्ड स्पीशीज का, कहाँ पर, वेस्टर्न हिमालयन में। ठीक है, जो वेस्टर्न हिमालयस है आपके, वहां पर हमें काफी हद तक डेक्लाइन देखने को मिल रहा है, किसका, जो हमारी स्पीशीज है, बर्ड स्पीशीज है। अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स आती है, प्लेजेंट समर रहती है आपके स्टेट ऑफ उत्तराखंड में, जो कि यहाँ पर होम है आपका वेस्टर्न हिमालय टेम्परेस्ट फॉरेस्ट का। ठीक है, और यहाँ पर आपके काफी नंबर ऑफ लाइक एंडेमिक जो आपकी बर्ड स्पीशीज होती है वो हमें काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक नई स्टडी आई है जिसने यहाँ पे एनालाइज किया है कि ये जो नेचुरल ओक डोमिनेटेड फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे ये मॉडिफाइड फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर नोट करते हैं कि एक ड्रास्टिक लॉस देखने को मिल रहा है इन बर्ड स्पीशीज में। यहाँ पर ये जो स्पीशीज हैं वो आपकी यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है। तो ये जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने स्टडी किया था एंड एरिया अबाउट 1,285 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, जिसमें जो एल्टीट्यूड रहा था वो था आपका 1700 से 2400 तक का, तो इतने मीटर्स का यहाँ पे एल्टीट्यूड रहा था। तो यहाँ पे जो आपके 6 मेजर लैंड यूज टाइप्स थे जिसमें आपका इंक्लूड किया गया था नेचुरल ओक फॉरेस्ट, डीग्रेड ओक फॉरेस्ट, उसके बाद लूप्ड फॉरेस्ट, ठीक है, और फिर आया था आपका पाइन फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर कल्टिवेशन एरिया एंड साइट्स विद द बिल्डिंग्स वर स्टडी। तो यहाँ पे जो रिजल्ट था वो यहाँ पे शो कर रहा था कि यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा लो होती जा रही है, बर्ड्स की जो स्पीशीज वगैरह है उनकी जो डाइवर्सिटी है वो इन एरियाज में यहाँ पर कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर शहरीकरण जैसे जैसे हो रहा है ना, जो अर्बन साइट यहाँ पे देखने को मिल रही है उसकी वजह से यहाँ पर ड्रास्टिक लॉस देखने को मिल रहा है बर्ड स्पीशीज में, और जिसकी वजह से हमारी जो इकोलॉजी है वो यहाँ पर काफी हद तक इम्पैक्ट होने वाली है। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर आपका रिजल्ट है इसको पब्लिश किया गया था ग्लोबल इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन में। तो अगर यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज पे बात करी जाए कि जिस तरीके से यहाँ पर चीजें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी से हो रही है, लोग जगह जगह अलग अलग जगह स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं, जो यहाँ पर नॉन नेटिव स्पीशीज है या फिर नेटिव स्पीशीज भी होंगी तो उनको भी यहाँ पर हमें डिक्लाइन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं अगर वो ही यहाँ पर डिक्लाइन होगी तो किस तरीके से चीजें वर्क करेंगी। ऑल राइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे आपका FAQ वाला पोर्शन, FAQ वाले पोर्शन में यहाँ पे बात करी जा रही है सेरो सर्वे लर्निंग के बारे में। तो ये जो सेरो सर्वे लर्निंग्स है, अब ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपकी FAQ में ना तीन टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हम उसे बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। सेरो सर्वे लर्निंग ये है कि यहाँ पर ये जो नॉलेज है आपकी उसको एक्सटेंड करता है एक्सपोजर को, जो कि आपके COVID-19 के हिसाब से यहाँ पे दी जाती है, ताकि यहाँ पर जो थर्ड वेव आने वाली है उसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर प्लानिंग कर सके। पहली वाली वेव के लिए, मतलब पहली वाली वेव के लिए क्या था कि लॉकडाउन कर दिया गया था, संपूर्ण लॉकडाउन हो गया था, 4 घंटे के लिए लोग बाहर जाते थे, इससे ज्यादा कोई भी चीज यहाँ पर होती हुई नहीं नजर आ रही थी। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पर बोला गया है कि एक पर्टिकुलर सेरो सर्वे किया जाएगा, जिसके हिसाब से यहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाएगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे जो थर्ड वेव है उसको यहाँ पे कर सकते हो कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो आपका जो पैंडेमिक है वो 2020 से चालू हुआ था, तो जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है यानी कि जो ICMR है, उसने कंडक्ट किए थे 3 कंट्री साइड सेरो सर्वे। यहाँ पर हमारी कंट्री में 3 ऐसे सेरो सर्वे किए गए थे जिसमें मेजर किया गया था कि जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है वो किस हद तक बढ़ रहा है, और जो यहाँ पे थर्ड वाला होगा वो होगा आपका December 17 से January 8 तक, जो कि यहाँ पर शो करे, जिसने आप पे शो करा 21.5% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि एक्सपोज हो चुकी थी वायरस से। उसके बाद जो May 23 में आया उसमें यहाँ पे ये बताया गया कि इंडिया हैड बीन एबल टू फुली वैक्सीनेट ओनली 3%, यहाँ पे सिर्फ 3% जो लोग हैं वो यहाँ पे पूर्ण तरीके से वैक्सीनेट हो पाए हैं, और बाकी के जो हैं उन्होंने उनको तो सिर्फ और सिर्फ एक डोज ही लगी, उसमें भी आई थिंक सिर्फ और सिर्फ बहुत कम लोग होंगे जिनको लगी है, यहाँ पर सिंगल डोज 18% लोग होंगे जिनको लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी पर्टिकुलर चीज पे यहाँ पे बात करी गई थी कि ये जो सर्वे हुआ था ये यहाँ पर
किया गया। तो ये जो आपका सीरोलॉजी सर्वे था, इसमें यहाँ पे ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे थे पार्टिसिपेंट्स के, उसके बाद क्या है यहाँ पे मेजर किया जा रहा था उनका एंटीबॉडीज, जिसको चेक कर सके वो कि अगर इनको कोई पास्ट एक्सपोजर रहा हो वायरस का। तो यहाँ पे ये 10 दिन का आपका मतलब फ्रॉम अबाउट 10 डेज आफ्टर इन्फेक्शन जो एंटीबॉडीज है वो यहाँ पर उसका जो साइज है वो यहाँ पे ग्रो कर जाता है, ओके, एंड दे स्टार्ट टू डिक्लाइन आफ्टर 5 to 6 months, ओके। तो ये पर्टिकुलर इनके द्वारा यहाँ पर एक पर्टिकुलर वो बताया गया कि इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो आपका सीरोलॉजी सर्वे है वो यहाँ पर अब तक कंडक्ट हुआ है, मैंने आपको बताया कि 3 कंडक्ट हुए हैं यहाँ पे, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ इसी सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। ऑल राइट, चलो सिंगल डोजेस, हाँ सिंगल डोजेस सिर्फ और सिर्फ 22% ही यहाँ पर हमें देखने को मिली है, और जो पूरी तरीके से जो लोग यहाँ पे वैक्सीनेट हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3% है। तो यहाँ पे ये जो आंकड़ा है ना ये काफी हद तक कम नजर आ रहा है, इतने ही कम यहाँ पे लोग अगर वैक्सीनेट होंगे तो किस तरीके से वर्क करेंगी चीजें। चलिए फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यही बोला गया है कि जो आपका 4th सीरोलॉजी सर्वे है, बेसिकली ये ना पूरा का पूरा आपके COVID-19 के ऊपर है कि वैक्सीन मतलब कैसे कैसे सर्वे किया गया था, किस किस हिसाब से सारी चीज़ें हो गई थी, प्रायोरिटाइज कैसे किया गया था कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे सबसे पहले वैक्सीन लगनी चाहिए, फिर यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को लगी, उसके बाद यहाँ पे 45+ के लिए आई, 18 वालों के लिए आई। तो ये पर्टिकुलर उसी के बारे में यहाँ पे बातचीत करी गई। अगर इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे तो बाकी सारे नहीं कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जो सेंटर के और व्हाट्सएप के बीच में ये जो टसल चल रहा है ना आईटी रूल्स को लेके, उसके बारे में बात करी गई। आपको पता ही है कि अभी यहाँ पे जो आईटी रूल्स आए हैं, अभी आईटी रूल्स क्या है मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। देखो भाई, आईटी रूल्स पे वैसे आप लोगों के लिए वीडियो भी है चैनल पे, अगर जिसको भी ये क्लियरेंस चाहिए वो देख सकता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोशल मीडिया के लिए आए थे, डिजिटल न्यूज के लिए आए थे, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आए थे। सबसे पहले सोशल मीडिया पे क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा अनवांटेड कंटेंट डल जाता है, मिसयूज करा जाता है उसको, तो उसके यहाँ पर रोकथाम के लिए, उसको यहाँ पर रोकने के लिए क्या करा था सरकार, यहाँ पर कुछ यहाँ पर रूल्स लेकर आई थी कि भैया ये रूल्स जो है ना इनको फॉलो कर लो, अगर इनको फॉलो करोगे तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्या होगा आप लोगों को यहाँ पर अलाउ किया जाएगा रहने का, वरना भाग जाओ। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपके सोशल मीडिया के लिए यहाँ पर रूल्स लिए गए, तो उनको यहाँ पे बोला गया कि अगर मान लो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर फेसबुक पर, फेसबुक एरियो में, व्हाट्सएप पे अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी फेक न्यूज़ फैलाता है तो उसको यहाँ पे पकड़ने के लिए क्या किया जाएगा, जो ओरिजिनेटर है जिसने यहाँ पे फेक न्यूज़ फैलाई है उसको पकड़ने के लिए क्या है कि उसका यहाँ पर देखा जाएगा सारी चैट्स वगैरह जो कि आपकी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती है उनको खोला जाएगा, ताकि यहाँ पे पता चले कि किसी ने भी अगर यहाँ पे एंटी नेशनल कोई भी कमेंट किया है तो उसको हम यहाँ पर तुरंत पकड़ सके। यहाँ पर एक ग्रीवियंसेस ऑफिसर को यहाँ पे बिठाया जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर, जो यहाँ पे लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं उनको यहाँ पे रिजॉल्व करेगा। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली मंथली जितनी भी कंप्लाइंसेस रिपोर्ट वगैरह होती है, कंप्लेंट्स वगैरह होती है जिन पे आपने एक्शन वगैरह लिए, वो यहाँ पे आप लोग सरकार को दोगे। फिर यहाँ पे जो डिजिटल प्रेस है उनको यहाँ पे बोल दिया गया कि देखो भैया जो आप लोगों को फॉलो करना है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट नॉर्म्स को, ठीक है, अपने मन से आप चलोगे नहीं। यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज यहाँ पे ओवरसी करेंगे एडहेरेंस टू द कोड ऑफ एथिक्स, और जो आपका बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे फॉर्म करेगी पैनल जो कि ओवरसाइट मैकेनिज्म करने वाली है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे बोला गया कि आप अपना जो भी कंटेंट दिखाओगे, जो भी कंटेंट होगा आपका, उसको आप लोग करोगे क्लासिफाई कि ये कितने कितने साल के लोगों के लिए है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हाल फिलहाल में डिजिटलाइज हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको कंटेंट को करना पड़ेगा क्लासिफाई। एंड पेरेंटल कंट्रोल, जो पेरेंटल लॉक है आपको वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म यहाँ पर लाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि क्या होता है अगर आपको यूट्यूब पे भी बोला जाए कोई भी वीडियो आती है अगर 18+ है तो उस पर क्या करना पड़ता है, सिर्फ क्लिक करना पड़ता है और हो गया काम। तो यहाँ पे पेरेंटल लॉक का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए और क्लासिफिकेशन तो होना ही चाहिए कि आप क्या क्या कंटेंट यहाँ पर दिखा रहे हो। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या है सेंटर और व्हाट्सएप के बीच में टसल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप ने बोला कि जो भी ये नए नियम कायदे वगैरह लेकर आ रहे हैं इससे क्या हो रहा है, इससे जो प्रिवेसी है वो यहाँ पर, लोगों की जो प्रिवेसी है वो यहाँ पर हो रही है हैरिस, ठीक है, वायलेट हो रही है वो, तो ये यहाँ पर इनको नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये जो खुद अपनी जो प्रिवेसी पॉलिसी लेकर आ रहे थे उस पर कुछ नहीं हो रहा था, बट यहाँ पर अगर सरकार ये पर्टिकुलर चीज लेके आ रही है
तो इससे इनको बड़ी ज्यादा परेशानी हो रही है। वो बात है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वही सारी चीजें हैं जो कि इसमें बात करी गई है। आखिरी है आपका, अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सब पीछे पड़े हुए हैं ये जानने के लिए आखिरकार आपका जो कोविड वायरस है, बेसिकली जो आपका COVID-2 वायरस है, ये कहाँ से आया है, ओरिजिनेशन इसका बताना है। या तो ये एनिमल और ह्यूमन से स्प्रेड हुआ है, या फिर एक्चुअल में कहानी कुछ और है, ये आया है आपकी वुहान लैबोरेटरी से। क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आई है जिसमें यहाँ पर बोला गया है कि वुहान लैब में ऑलरेडी यहाँ पर जो 3 लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पर खुद ब खुद यहाँ पे इस पर्टिकुलर वायरस से पीड़ित पाए गए थे। और उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या हुआ था कि जो US वगैरह है, उन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर बात की पकड़ ली है पूछ, और वो इस पर्टिकुलर चीज पर यहाँ पर पूरा उन्होंने अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी वगैरह है उनको यहाँ पे लगा दिया है कि भैया देखो, यहाँ पे आपको पता करना ही पड़ेगा कि इसका जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से आया है। और उसके बाद देखो, इंडिया भी इस पे काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर परेशानियां क्रिएट हुए हैं ना वायरस की वजह से, इतने सारे लोग इम्पैक्ट हुए हैं, चपेट में आए हैं इसकी, और काफी हद तक हमें डेथ, जो हमारे खुद के देश की इकोनॉमी है वो भी यहाँ पे गिरती हुई नजर आई है। एक तो हमारी जो कंट्री है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, एक स्लगिश ग्रोथ है हमारे यहाँ, उसके हिसाब से भी अगर आप बीच में आके आपने इतना बड़ा ये जो बायोलॉजिकल वेपन हमारे साथ, हमारे ऊपर डाला है, ठीक है, तो ये काफी हद तक गलत है। क्योंकि अगर आप देखो, पूरे मतलब पैंडेमिक हुआ, महामारी फैली, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में फैली है, उस टाइम पे क्या हुआ कि यहाँ पर सबकी जो इकोनॉमी है वो डूबती हुई नजर आई, पर यहाँ पर जो आपका चाइना है, चाइना ने काफी हद तक प्रोग्रेस करी। तो चाइना की जो प्रोग्रेस है ना, वो अभी देखी भी नहीं जा रही है किसी से, है ना, तो चाइना की प्रोग्रेस वैसे भी देखी नहीं जा रही है। तो अगर यहाँ पे पता चल गया कि ये चाइना ने किया है तो कुछ होगा तो नहीं, पर ये है कि कम से कम पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में वायरस अगर आया है तो कहाँ से आया, या फिर ये कॉन्स्पिरेसी है और इट इज लाइक कि एक्सीडेंटली ये सारी चीजें हो गई। ओके, तो ये पर्टिकुलर चीजें थी, आज का आपका अखबार इतना ही था, ठीक है, इतना ही आपका बहुत बड़ा हो गया आज का, आई थॉट कि थोड़ा सा छोटा रहेगा, पर नहीं, बड़ा हो गया काफी। चलो, किसी को कोई डाउट है, एनी डाउट, कोई डाउट है किसी को, चाइना की इकोनॉमी क्यों नहीं डूबी, पता बेसिकली क्या है कि वो लोग अपने आई थिंक उनको वो बहुत ज्यादा फोकस रहती है इस पर्टिकुलर चीज पे, ठीक है। और रही बात उनकी इकोनॉमी की, तो उनके पास ना प्लानिंग थी, अगर ये बायोलॉजिकल वेपन उन लोगों की तरफ से आया है तो आई पर्सनली फील दैट दे हैव अ प्लानिंग अबाउट इट, बिकॉज इंडिया में इस पर्टिकुलर चीज पे कोई प्लानिंग नहीं थी। हम लोग जनवरी दिसंबर से, जो आपका दिसंबर 2019 था, वहां से ये सुन रहे थे कि देयर इज सम लाइक सम काइंड ऑफ वायरस व्हिच इज लाइक अराइजिंग इन वुहान, ठीक है, तो वहीं पर एक दो केसेस आ रहे हैं, इतने केसेस आने, बट वी वर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग कि ये हमारे यहाँ पे भी आ जाएगा। जब हमारे यहाँ पहला केस आया तब भी हम लोग उतने सचेत नहीं हुए थे, अगर पहला केस आ गया था या फिर ये सिर्फ चाइना में आ गया था, अगर हम पहले से ही सचेत हो जाते, क्योंकि उस टाइम पे भी हमारे यहाँ जो ट्रैवलिंग वाला काम था वो चल रहा था, वो बराबर के बराबर चल रहा था, लोग बराबर ट्रैवल कर रहे थे, चाइना से भी लोग आ रहे थे यहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि चाइना में रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चाइना में वर्क करते हैं इंडिया से, तो यहाँ पे वही सारी चीजें हैं। और उसके बाद क्या है कि आपस में जितना भी हमारा जो टसल चलता रहता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, उसके बाद चाइना ने काफी सारे साइबर अटैक की सारी चीजें जो हमें वहां से देखने को मिली है, तो चाइना के पास बेसिकली प्लानिंग है, हमारे पास तो अभी भी प्लानिंग नहीं है, अगर थर्ड वेव भी आ जाए तो प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी को आइडिया भी नहीं था, चाइना को अगर देखो बायोलॉजिकल वेपन है तो उसके पास काफी हद तक यहाँ पर एक पर्टिकुलर आइडिया भी रहा होगा कि किस तरीके से वो यहाँ पर कब आउट कर सके। अभी तो वहां पे कोई केसेस भी नजर नहीं आते हैं, अब वो नजर नहीं आते हैं या फिर वो बताना नहीं चाहते, जो भी चीज है, ठीक है, बट वहां पे वैक्सीनेशन भी काफी तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है, काफी सारे लोगों को वहां पे वैक्सीन लग भी चुकी है। ऑलराइट, चलो, तो फिर अब हम मिलेंगे कल, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ऑलराइट, चलिए, और जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग वहां से PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, चलो, सो बाय एवरीवन, टेक केयर, एंड होमवर्क क्या था, होमवर्क क्या था आप लोगों का, होमवर्क तो मैं खुद भूल गई, होमवर्क आई थिंक मैंने आपको बताया था,
मुझे खुद याद नहीं आ रहा कि मैंने होमवर्क क्या बताया था। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आज होमवर्क मत करना, संडे है, संडे एकदम फ्री रहना, ठीक है, संडे एकदम से फ्री रहना, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप लोगों के लिए मॉडर्न इंडिया की जो क्लासेस हैं वो हो रही हैं, ठीक है, मॉडर्न इंडिया की वीडियो आप लोगों के लिए आ रही है, तो आप लोग जो भी लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे मॉडर्न इंडिया के लिए, उनके लिए अभी क्लासेस हो रही है, तो आप लोग उसमें जाके ज्वाइन इन कर लेना, ठीक है, वो वीडियोज देख लेना, बेसिकली वीडियोज आएंगी, आज भी आएगी, तो आप उन वीडियो को देखना मत भूलना। हाँ, रामसार कन्वेंशन, थैंक यू आप लोगों ने याद दिला दिया, रामसार कन्वेंशन था आपका होमवर्क, रामसार कन्वेंशन के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ऑलराइट, चलिए, चलो अब मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है, कल होगी मुलाकात, कल है आपका मंडे, कल बातचीत करेंगे, तब तक के लिए एंजॉय योर संडे, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। कितने बजे से है मॉडर्न इंडिया वीडियो, आ जाएगी आपकी जब भी आ जाए, आई थिंक 6 या 4 बजे करीब आ जाएगी, ऑलराइट, चलो तब देख लेना, बाकी दिन की छुट्टी है सबके लिए, ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।